subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉमग्रेनेट यानी अनार. अनार का कॉमन नेम क्या होता है? फ्रूट ऑफ पैराडाइज एंड फ्रूट ऑफ लव के नाम से इसको जानते हैं. एंड नाउ नेक्स्ट, इसका साइंटिफिक नेम यानी वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो प्यूनिका ग्रैंटम होता है. फैमिली यानी कुल प्यूनिकेशी. गुणसूत्र संख्या 18. ओरिजिन प्लेस ईरान. एडिबल पार्ट यानी खाया जाने वाला भाग जूसी सीड कोट. एंड टाइप ऑफ फ्रूट बैलुस्टा. टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ नेक्स्ट, हाइपनथोडियम इनफ्लोरोसेंस है. टाइप ऑफ इनफ्लोरोसेंस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड पूछता है इसमें कि बैलुस्टा किसके प्रकार का फल है? तो अनार है. कौन सा फल है? अनार, बैलुस्टा है. फिर प्रोपोगेशन आपका आ गया. तो प्रोपोगेशन हार्डवुड कटिंग एंड स्पेसिंग 4x4 meter या 5x5 meter हो सकता है. एंड नाउ नेक्स्ट, मैच्योरिटी स्टेज. उसको कैसे हम पता लगाएंगे कि ये अनार का जो फल लगा हुआ है ये मैच्योर हो गया है? तो उसको अनार के पौधे उस पर फल पर जब हम हाथ से थपथपाएंगे तो उससे मेटेलिक साउंड आएगी. तो उसी मेटेलिक साउंड के माध्यम से हम जान जाते हैं कि हाँ ये मैच्योर हो चुका है. ठीक. इट इज वेरी यूजफुल फॉर लेप्रेसी पेशेंट. लेप्रेसी पेशेंट को ये बहुत उपयोगी होता है. और इसके ड्राइंग सीड से क्या बनता है? दारू बनती है. फिर नाउ नेक्स्ट, इट इज नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का मतलब अभी मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, ऐसे फल जो परिपक्व अवस्था पर तोड़ने के पश्चात पके नहीं, डिस्ट्रॉय हो जाए, सड़ जाए, उसको हम बोलते हैं नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट. ठीक. अमरूद के जैसे अनार में भी 3 phase होते हैं, 3 bahar होते हैं. पहला bahar किस महीने में होता है? जून जुलाई में होता है. जून जुलाई यानी मृग bahar. मृग bahar वेरी इंपॉर्टेंट bahar. इस bahar का ही फल लेना चाहिए क्योंकि ये जून जुलाई के जब महीने में होता है तो इसमें डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट का कोई खतरा नहीं रहता है और हायर यील्डिंग भी प्रोड्यूस होती है. इसलिए मोस्टली यूज इसका होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट bahar. ये भी एग्जाम में पूछा ही जाता है. फिर हस्त bahar आपका आ जाता है. हस्त bahar आपका होता है सितंबर अक्टूबर महीने में. फिर अंबे bahar आ जाता है जनवरी फरवरी में. बट सबसे बेटर यील्डिंग के लिए और डिजीज एंड इंसेक्ट पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट है मृग bahar. बल्कि अंबे bahar किस लिए है? कॉमर्शियल पर्पज के लिए. एंड कॉमनली इसी को यूज किया जाता है अंबे bahar में ही. जनवरी फरवरी के महीने में ज्यादा लिया जाता है. फिर अब नेक्स्ट देखिए आपका आ गया ग्रेड. ग्रेडिंग प्रणाली, ग्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड शेप. पहला जो साइज है सुपर साइज. सुपर साइज की जो वेट होती है, एक फल का वेट होता है यानी एक फल का जो वजन होता है वो 750 ग्राम होना आपका चाहिए. फिर किंग साइज. किंग साइज में जो भी फल आएगा उसका वजन 500 से 750 ग्राम के वेरिएशन में होना चाहिए. फिर आपका आ गया क्वीन साइज. क्वीन साइज के अंतर्गत जो भी फल आएंगे वो 400 से 500 ग्राम के अंतर्गत ही आएंगे. इससे ज्यादा होगा तो आपका किंग साइज में पहुंच जाएगा और इससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो आपका सुपर साइज में पहुंच गया. फिर लास्ट ग्रेडिंग जो है वो है प्रिंस साइज. प्रिंस साइज जो है 300 से 400 ग्राम ही होता है फल. अब नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालिए वैरायटीज. तो वैरायटीज में सर्वप्रथम वैरायटीज है गणेश. इट इज टेकन बाय आलंदी. आलंदी से सिलेक्शन हुआ है. गणेश
137 यह क्लोनल सिलेक्शन के माध्यम से हुआ है। फिर आपका मृदुला वैरायटी हो गई, ज्योति ये भी हाइब्रिड वैरायटी हैं ये दोनों, रूबी भी वैरायटी जो है ये भी हाइब्रिड वैरायटी है, अमलीदाना भी आपका हाइब्रिड ही वैरायटी है। भगवा इज यूजफुल फॉर नॉर्थ रीजन में इसका सर्वाधिक कल्टीवेशन किया जाता है। फिर आपका कावेरी सॉफ्ट सीडेड वैरायटी है, काबुल रेड फॉर यूजफुल फॉर कल्टीवेशन इन हरियाणा में सर्वाधिक इसका खेती किया जाता है काबुल रेडी की। और आलंदी आपकी एक वैरायटी है। फिर आपका पेपर शील्ड जो वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी है, आपकी सीडलेस वैरायटी है, इसके अंतर्गत इस वैरायटी में आपका सीड नहीं पाया जाता है। और इस क्वेश्चन में इस वैरायटी से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आपको मैं बता रहा हूं, ज्योति, रूबी और मृदुला, ये तीनों वैरायटियां मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं, ये क्वेश्चंस में एग्जाम्स में काफी पूछे जाते हैं और पूछे जा चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टडिंग डिजीज, अब हम लोग पढ़ेंगे डिजीज ऑफ पॉमग्रेनेट, यानी अनार में जो रोग लगते हैं तो कौन कौन से डिजीज लगते हैं तो हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अब पहला जो डिजीज है फ्रूट क्रैकिंग, इट इज मेजर प्रॉब्लम इन पॉमग्रेनेट, इट इज डिफिशिएंसी ऑफ बोरान की कमी से यह डिजीज क्रिएट होता है। एंड इम्प्रॉपर न्यूट्रिशनल वैल्यू, फिर इंटरनल ब्रेकडाउन इज डिजीज इज फाउंड इन अंबे बहार, यानी अंबे बहार का जो समय होता है जून जुलाई में होता है तो उसी समय ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर जाती है इंटरनल ब्रेकडाउन की। ये क्यों होता है, डिसिग्नेशन ऑफ मैच्योर फ्रूट इन अप्रैल, इट्स ओके क्लियर। नेक्स्ट फ्रूट बोरर बिराकोला आइसोक्रेटिस, नामक पेस्ट से क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट, नेक्स्ट एंड लास्ट डिजीज बैक्टीरियल ब्लाइट, तो बैक्टीरियल ब्लाइट होती है जैंथोमोनास स्पीसीज कोई भी हो, जीनस जैंथोमोनास की ही होगी, यह बैक्टीरिया जनित बीमारी है। ठीक, आपका पॉमग्रेनेट फिनिश। Subscribe now and press the bell icon.